हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल गोरी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने नॉर्मल एलसीडी मॉनिटर को एलईडी टीवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक डेल की एलसीडी है जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है। आज हमने इसे एलईडी टीवी में कन्वर्ट करना है ताकि हम इस पर केबल्स या फ्लैशेज वगैरह चला सकें। ये आप हर एंगल से देख सकते हैं। बाकी ये एलसीडी 22 इंच की एलसीडी है, तो चलें इसे ओपन कर लेते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें जल्दी से एलसीडी को इसे ओपन करते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया, तो ये ध्यान से आपने इसका पैनल निकाल लेना है। हमें इसके सिर्फ पैनल की ज़रूरत है, बाकी हमने इसका कार्ड और बाकी सामान मार्केट से हमने परचेज़ किया है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है। इसको जल्दी से पैनल को हम अलग कर लेते हैं, पैनल निकाल कर आपको दिखा देंगे। ये जो कि एलसीडी पैनल है, ये एक एलसीडी का है। तो ये हमारा पैनल हमने निकाल लिया है एलसीडी में से। ये बाकी हमने इसकी एक केसिंग मार्केट से परचेज़ की है एलईडी टीवी के लिए। इसमें अभी ये तीन चार चीज़ें हमें ज़रूरत है। पहले नंबर पर हमारे पास इसका एलईडी टीवी बोर्ड है और इसके अलावा हमारे पास है आईआर ब्लास्टर, जो कि एलसीडी को लाइट, एलसीडी पैनल को लाइट देगा। तीसरे नंबर पर इसका कंट्रोलर है जो कि बटन्स, और इसके बाद आईआर सेंसर है। तो ये चार चीज़ें ज़रूरत है, बाकी इसकी वायरिंग वगैरह है जो साथ मिल जाएगी। आप अपने पैनल के हिसाब से इसकी केसिंग भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये वाला जो हमारे पास बोर्ड है, ये हमारी एलसीडी पैनल को लाइट देगा। दोनों साइडों पर इसकी लाइट की तारें आ चुकी है और ये इसके मेन पैनल की, इसके मेन पैनल का जैक लगा दिए। और इसमें ये जो बोर्ड है, इस पर ये जो जम्पर है, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 9 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का हो सकता है। तो आपने इसे चेक करने के लिए आप एलसीडी के बैक साइड पर एक ये जो इसका कोड लिखा है, नंबर है, इस कोड को नेट पर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपकी एलईडी पैनल का जो एलसीडी पैनल का जो जो जितने वोल्टेज की है ये, वो आपको वहाँ से पता लग जाएगी। तो आपने जम्पर को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमने एलईडी को बंद कर लिया है, बाकी इसकी सेटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे। और चलो, ये एक मैंने एलईडी तैयार करनी थी तो सोचा कि ये भी वीडियो एक तैयार कर ली जाए। जल्दी से इसको बंद कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसे चला कर देखते हैं, चेक करते हैं कि काम कर रही है। तो ये हमारी एलईडी टीवी तैयार हो चुका है, अभी इसे चला कर देखते हैं। तो ये एलईडी हमारी चल चुकी है, उसके बाद फ्लैश वगैरह यूज़ करके देख लेते हैं। फ्लैश वगैरह भी आपको चला के दिखा देते हैं। ये नॉर्मल जो चाइना रिमोट है, उसी से हम इसे चलाएंगे। तो ये आपकी कोई भी एलसीडी, कोई भी मॉनिटर, आपके पास टीवी है तो आपको आप इसी तरीके से। अभी ये केसिंग हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ में ही ली है, ये भी अगर आप केसिंग नहीं लेना चाहते तो इसके बगैर भी आप उसी एलसीडी में इसकी बाकी सर्किट वगैरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एलसीडी के जो अंदर सर्किट वगैरह, उन्हें निकाल कर उसकी जगह पर ये लगा सकते हैं। आपके पास उसका ऑप्शन भी है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल से साफ सुथरी सी एलसीडी, एलईडी टीवी मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये इसका एक केसिंग भी साथ में ख़रीद लें। 500-600 रुपये की केसिंग आपको साथ में मिल जाएगी। इस एलईडी का टोटल ख़र्चा आलमोस्ट 3000 के करीब पड़ा है, जो कि हमने सर्किट और केसिंग वगैरह बाकी तमाम चीज़ें 3000 के करीब करीब। तो बाकी ये इसका फ्रंट ग्लास भी है, ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एलईडी टीवी तैयार हो चुका है। तो यार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और हम ये सब एलईडी टीवी को अपने कबाड़ में फेंक देते हैं, दोबारा कभी ये यूज़ नहीं होगी, बस इतना काम करना था। वो भी कबाड़ में डाल दिया और ये भी हमने कबाड़ में डाल चुके हैं।
इतना ही हम काम करते हैं, कोई चीज़ उठा कर बनाते हैं, उसे चेक करते हैं, उसके बाद साइड में रख देते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।